तो झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है और छात्र इस बात से नाराज हैं कि सरकार एक तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहती नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ तीसरे रास्ते की बात भी सामने आ रही है। तीसरे रास्ते की बात को लेकर छात्र नाराज हैं, वहीं नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि लगभग एक हफ्तों का वक्त गुजर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत अभ्यर्थियों और JSSC के जरिए जो शिक्षक बहाली के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, हम बात कर रहे थे कि एक तरफ नियोजन नीति को लेकर छात्र नाराज हैं, नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि तीसरे रास्ते की बात कही जा रही है, वहीं पंचायत सचिव अभ्यर्थी और जो शिक्षक जिनमें काफी उम्मीद जगी है, सालों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निर्णय आया है मेरिट लिस्ट तैयार करने का, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कहीं कोई बात आगे बढ़ी है क्या? बिल्कुल, इस चीज़ को जानने और समझने के लिए न्यूज़ बायोस्कोप की टीम आज झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के कार्यालय पहुंची थी। वहां किसी अधिकारियों से बात तो नहीं हुई, लेकिन जो छात्र वहां पर पहुंचे हुए थे, जो दूर दराज के ज़िलों से पहुंचे हुए थे, तमाम छात्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी कहीं ना कहीं JSSC की तरफ से लेट लतीफ़ी और देरी की जा रही है। जो स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट बनानी है उसमें देरी हो रही है, और जितनी देरी होगी उतनी नियुक्ति में भी देरी होगी। तमाम जो छात्र और उनके अभिभावक जो पहुँचे हुए थे, वो ये चाहते थे कि कम से कम साल 2022 के आखिरी में यानी दिसंबर के इस महीने में कम से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए ताकि नए साल में छात्रों को नई सौगात मिल सके। लेकिन एक सुखद खबर ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है वो शुरू हो चुकी है JSSC के द्वारा। बहुत सारे छात्रों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन तमाम छात्र चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर हो, जो त्रुटियां हैं उसे भी अपने स्तर पर दूर कर ली जाए, लेकिन जल्द से जल्द जो मेरिट लिस्ट है, जो मेधा सूची है, उसे जारी किया जाए ताकि जो छात्रों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल सके। इस चीज को लेकर छात्र कहीं ना कहीं हैरान और परेशान है। जी बिल्कुल शाहनवाज, छात्रों में तो लगातार गुस्सा भड़कता नजर आ रहा है, इस बात से कहीं ना कहीं आक्रोश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारियां शुरू नहीं हुई हैं। वहीं अदालती आदेश की बात की जाए तो JPSC को भी यह आदेश दिया गया है कि अगर मार्कशीट जारी नहीं की जाती है और जो मॉडल आंसर शीट है तो अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। 7 JPSC को लेकर आनन फानन में सरकार ने रिजल्ट निकाल दिया, काफ़ी विवाद भी हुआ। कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा रिजल्ट यानी रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया गया। अल्टीमेटली वो ये हुआ कि छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और तमाम जो लोग हैं अपने जो नौकरी में जुट चुके हैं, अपने काम में जुट चुके हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि तमाम छात्रों के रिजल्ट आने के बावजूद भी अब तक छात्रों को कट ऑफ मार्क्स की जानकारी नहीं है, आंसर शीट की जानकारी नहीं है। तो तमाम छात्र ये चाहते हैं कि भले ही JPSC ने रिजल्ट दे दिया हो, लेकिन कम से कम पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए कि कौन से छात्र को कितना मार्क्स आया है, किस विषय में कितना मार्क्स आया है, ताकि ये पता चल सके कि जो छात्र सफल हुए हैं उनको कितना मार्क्स आया है, जो विफल रहे हैं, जो कामयाब नहीं हुए हैं उनको कितनी कमी रह गई है, ताकि जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए तैयारी कर सके। लिहाजा आपको चूंकि कोर्ट के निर्देश आ चुके हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं JPSC के लिए बाध्यकारी है कि वो जल्द से जल्द पब्लिक डोमेन में यानी अपने वेबसाइट के माध्यम से इस चीज़ को जारी करेगा और कहीं ना कहीं इस बात का निराकरण होगा जो JPSC के प्रति आक्रोश है। इस बीच जो हम लोग ने अभी शुरू में बात की है JSSC को लेकर के, उस बीच जो जूनियर इंजीनियर के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज हैं कि JSSC की तरफ से इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद क्या जूनियर इंजीनियर की परीक्षा रद्द हो गई है या उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। अब तक वेबसाइट में या JSSC ने किसी भी माध्यम से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जो परीक्षा ली गई है वो परीक्षा रद्द हुई है या वो कंटिन्यू की जाएगी। खबर यह है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जनरल के छात्र जो 10th और 12th बाहर से किए हैं उनको मौका दिया जाएगा ताकि उनको जो एक त्रुटि रह गई थी नियोजन नीति में उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करके एक बार फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा। इसे लेकर छात्रों के जो गुट हैं वो दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ छात्र चाहते हैं कि इस नियुक्ति परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से परीक्षा ली जाए। बहुत सारे छात्र ये चाह रहे थे कि परीक्षा रद्द करने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, लिहाजा कम से कम छात्रों के हित में JSSC को निर्णय लेना चाहिए। तो तमाम आप JPSC की बात कर ले, JSSC की बात कर ले, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें उलझी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन एक सुखद खबर ये है कि कोर्ट के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं JSSC के कुछ छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है, लेकिन उसमें देरी हो रही है, इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन आज नहीं कल वो कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, हर हाल में उनको पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हों TJT के शिक्षकों, उनको हर हाल में नियुक्ति पत्र का वितरण करना है। जी
बिल्कुल शाहनवाज, आपकी छात्रों से बात हुई, जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं उनमें कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी आवाजें आ रही हैं कि आखिर JSSC ने जो परीक्षा ली है और अब चूंकि अदालत ने नियोजन रीति को रद्द कर दिया है तो फिर से परीक्षा ली जाए। वहीं कुछ छात्रों का, कुछ अभ्यर्थियों की ये मांग है कि फिर से परीक्षा लेने की बजाय उसका पहले रिजल्ट जारी किया जाए। बिल्कुल, देखिए छात्र अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट ने जो नियोजन नीति रद्द कर दी है उसके बाद तो कहीं ना कहीं JSSC को, विभाग को या सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो परीक्षाएं ली गई हैं उन परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा। सबसे हाल में जो परीक्षाएँ हुई है, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई है, इसके अलावा भी कई परीक्षाएँ हुई हैं, तमाम जो परीक्षा के परीक्षार्थी हैं वो इस बात को लेकर संशय में है कि उनकी परीक्षाओं का भविष्य क्या है। क्या वो फिर से एग्जामिनेशन की तैयारी करें या उस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करें, इस चीज को कहीं ना कहीं JSSC को स्पष्ट कर देनी चाहिए। यही वजह है कि इस उहापोह की स्थिति में छात्र भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो JSSC को करना है। और JSSC जितनी जल्द इस डिसीजन को करेगी उतना छात्रों के हित में होगा ताकि वो अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकेंगे। जी चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ी विडंबना है झारखंड की कि परीक्षा चाहे JPSC की हो, JSSC की या नियोजन नीति की या पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की, अदालत हर बार डायरेक्शन दे रही है अदालत के निर्देश पर, लेकिन इसके बावजूद, अदालती आदेश और निर्देश के बावजूद जो सरकार का इन विभागों का जो ढुलमुल रवैया है वो छात्रों को उहापोह में रख रहा है। कहीं ना कहीं छात्र कन्फ्यूज हैं कि आगे सरकार क्या कुछ करती है, उन्हें इंतजार है सरकार के अगले कदम का।